Hello friends, how are you? My name is Shubhamm Sukhlecha. I will be your tutor for the entire journey of MHCET 2018. Dekhiye yaar. ये हम सबका गोल है. इसको अचीव करना है तो कहीं ना कहीं आपको आपके एंड पे देने होंगे बहुत ज्यादा एफर्ट्स, बहुत ज्यादा एफर्ट्स. दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो ऐसा कुछ पास फेल का क्राइटेरिया नहीं है यारो, बट कहीं ना कहीं यू हैव टू बी अमंग द टॉप रैंकर्स टू गेट द बेस्ट कॉलेज, टू गेट द बेस्ट कॉलेज. एंड हेंस यू आर हियर, दैट इज व्हाई आई एम हियर, एंड फॉर दैट कॉज वी विल हैव टू गिव आवर 100% एफर्ट्स. तो पहली पॉइंट जिसको लेके मैं अभी भी क्लियर हूं कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दिस बीइंग अ वर्चुअल लेक्चर, आपने एकदम लाइव जैसी फीलिंग रखनी है, आपने लाइव की तरह पूरी क्लासेस अटेंड करनी है, पूरे लाइव की तरह आपने इसके होमवर्क्स करने हैं रिलीजियसली, बिकॉज अदरवाइज पर्पस सर्व नहीं होगा, अदरवाइज पर्पस सर्व नहीं होगा. तो एकदम रिलीजियसली अच्छे से पढ़ाई करनी. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ. नाउ आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज शुभम सुखलेचा. आई एम बेसिकली फ्रॉम राजस्थान, बट पोस्ट माई स्कूलिंग आई शिफ्टेड टू पुणे फॉर माई फर्दर एजुकेशन. आई केम टू पुणे फॉर परस्यूइंग माई LLB ओनली. LLB outstanding career option. I was clear that I will be eventually going into teaching only. I was teaching at that point of time also. But kahin na kahin LLB karne ke liye main Pune aaya tha. Alongside with my LLB, I've done CA, Chartered Accountancy, and Company Secretaryship as well. LLB maine kiya yaar, of course aap jaante honge, the prestigious ILS Law College se. And recently I've completed my LLM from Pacific University, and that is it about it. That's about myself. Now, let's come on to the main course. MHCET 2018, इसके बारे में. देखिए कैसा है. A few people take this exam very lightly because it's a aptitude examination. एक चीज ध्यान रखिएगा, it's a aptitude examination. When it comes to aptitude examination, you cannot do much of learning, मतलब you cannot do much of preparation from learning new things, remembering them, producing them in the examination, नहीं कर सकते. That's not what an aptitude paper is all about. An aptitude paper judges you on the basis of some fundamentals. तो कहीं ना कहीं आपने इन पूरे लेक्चर्स के दौरान monotonous नहीं होना है बिल्कुल भी कि हाँ ये सर ने पढ़ा दिया, ये इस तरह से ये मैं एग्जाम में जाकर रिपीट कर दूंगा. नहीं नहीं नहीं, these lectures will be giving you an edge in understanding कि आखिर क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, उसके सही आंसर तक कैसे जाना है, बिल्कुल ठीक है. I'll just start with the paper pattern of MHCET 2018. बिल्कुल ठीक है. हम बात कर रहे हैं, ऑफकोर्स दिस इज एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम फॉर LLB. LLB होती है, वन इज 5-year LLB, जहां पे आपको LLB के साथ में यू गेट अ बेसिक ग्रेजुएशन का डिग्री एज वेल, एंड वन इज द ट्रेडिशनल 3-year LLB. 3-year LLB यू कैन डू आफ्टर योर ग्रेजुएशन ऑफकोर्स. तो इन दोनों की क्वालिफिकेशन अलग अलग है. फॉर 3-year LLB यू टू बी अ ग्रेजुएट, एंड फॉर 5-year LLB 10+2. 12th के बाद अगर आप लॉ करना चाह रहे हैं तो आप 5-year LLB के लिए जाते हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन का करना चाह रहे हैं आप 3-year LLB के लिए जाते हैं. बिल्कुल ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न. MHCET का जो एग्जाम होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी फॉर बोथ ऑफ दीज कोर्सेज, 5-year 3-year दोनों के लिए आपको MHCET देना है. लेकिन दोनों के एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंस है. मैं फर्स्ट फोकस कर रहा हूँ 3-year लॉ कोर्स के बारे में. थ्री ईयर लॉ कोर्स के अंदर देखिए आपके 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं उस पेपर में. आपका 150 मार्क्स का MCQ पेपर होने वाला है. एकदम ध्यान से मैंने आपको क्या बता दिया, ये होने वाला है आपका 150 मार्क्स का एक MCQ पेपर. बिल्कुल क्लियर है. व्हेन इट कम्स टू 3-year कोर्स, योर एग्जाम पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स. योर एग्जाम पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स. द फर्स्ट वन विल बी लीगल एप्टीट्यूड. द फर्स्ट वन विल बी लीगल एप्टीट्यूड. दिस विल कंप्राइज ऑफ 30 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच. तो लीगल एप्टीट्यूड हो गया 30 मार्क्स का.
देन कम्स जीके, जीके कंप्राइजेस ऑफ 40 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. नेक्स्ट कम्स लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, द थर्ड पार्ट. This is again for 30 marks, and the last part will be English, which will be for 50 marks, and these four comprising together will be 150 marks. तो आपके सिलेबस में ये चार, आपके सिलेबस में ये चार पार्ट्स हैं, ये चार सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़ने हैं. एग्जाम में क्लियरली आपके चार पार्ट्स आएंगे, लीगल एप्टीट्यूड 30 मार्क्स, जीके 40 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क्स, इंग्लिश 50 मार्क्स. मींस इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, लीगल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस, जीके 40 क्वेश्चंस, नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चंस एंड अगेन इंग्लिश 50 क्वेश्चंस. तो इस तरह से आपके एग्जाम का पैटर्न होने वाला है. थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं आखिर ये सब्जेक्ट्स हैं क्या. द फर्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लीगल एप्टीट्यूड. और इसी के साथ हम पढ़ाई स्टार्ट भी करने वाले हैं आज. लीगल एप्टीट्यूड, लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आपको यह पता होने की जरूरत नहीं है कि लॉ क्या कहता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो तो आप एलएलबी के कोर्स में पढ़ेंगे ना, दौरान ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ थ्री इयर्स यू विल बी स्टडिंग ना क्या क्या लॉ होता क्या है, राइट. तो यहां पे आपको लॉ क्या होता है इतना नहीं पढ़ना है, आपको यहां पे सिर्फ अपना एक एप्टीट्यूड बनाना है कि क्या आप इस कोर्स के लिए बने हैं, क्या आप लॉ करने के लिए बने हैं, क्या कल को आप एक सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हैं, क्या कल को एक सक्सेसफुल जज बन सकते हैं आप, नहीं, कि इसके लिए आपका आएगा लीगल एप्टीट्यूड. लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको लॉ दिया गया होगा, आपको लॉ क्या है वो दिया गया होगा, फिर आपको एक सिचुएशन दी होगी कि ये सिचुएशन है, अब ये जो ऊपर दिया गया लॉ है इसको अप्लाई करके बताइए कि इस सिचुएशन में रिजल्ट क्या होना चाहिए, इस सिचुएशन में रिजल्ट क्या होना चाहिए. एग्जाम्पल लेते हैं लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन का. मान लीजिए सबसे पहले दे दिया गया है आपको प्रिंसिपल. प्रिंसिपल इज एनी पर्सन टेकिंग एनी प्रॉपर्टी विदाउट द विश ऑफ द अदर पर्सन, विदाउट आस्किंग द अदर पर्सन, विदाउट द नॉलेज ऑफ द अदर पर्सन इज थेफ्ट एंड इज पनिशेबल अंडर इंडियन पिनल कोड. अगर आपके प्रिंसिपल आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा लॉ क्या है, लॉ कहता है कि अगर आपने कोई चीज किसी की इच्छा के बिना, किसी को बताए बिना ले ली है तो वो चोरी है, ये आपको लॉ कहता है. आपको उसके बाद में एक सिचुएशन दी जाएगी, मिस्टर राम हैज टेकन द वॉलेट ऑफ मिस्टर श्याम विदाउट आस्किंग मिस्टर श्याम एंड टेकन ऑल द मनी फ्रॉम द वॉलेट एंड थ्रू द वॉलेट That is the question. बड़ा इजी है ना कि जी साहब राम ने की है चोरी, तो आपने पहले से पता नहीं होना चाहिए चोरी क्या होता है, वो आपको एग्जाम में दिया जाएगा, आपको एग्जाम में लॉ भी दिया जाएगा, एक सिचुएशन दी जाएगी, आपको सिचुएशन को एनालाइज करते हुए देखना है कि क्या वो पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया है. तो बहुत ही, अगर वो एक एप्टीट्यूड क्लियर हो गया क्या करना कैसे है, तो आप आराम से सारे क्वेश्चन सेल थ्रू कर जाएंगे. नो वरी, आप थ्रू आउट द बैच हम स्टार्ट करेंगे लीगल एप्टीट्यूड से, तो यू विल रियलाइज के कैसे, हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, तो कहीं ना कहीं यू विल रियलाइज कि आपने किस तरह से प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल ठीक है. चलिए लीगल एप्टीट्यूड. नेक्स्ट कम्स जीके. देखो यार जीके दो तरह की होती है, वन इज स्टैटिक जीके एंड वन इज करंट अफेयर्स. One is static GK and one is current affairs. When it comes to current affairs, आपके exam में पूछे जा सकते हैं current affairs from past one year. आपके पिछले एक साल के, आपका exam है मान लीजिए मई 2018 में, तो मई 2017 से लेकर मई 2018 तक के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो सारी चीजें आपने पढ़ के जाने. I'll be guiding you आपको कैसे पढ़ाई करनी है when it comes to GK. So don't you have to worry about it for the time being. एकदम आराम से चल तरीके से. जीके के ऊपर आपके रहेंगे 40 क्वेश्चन. स्टैटिक जीके का मतलब हो गया पुरानी आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ये सारी, ये भी जीके की बात है. तो कोई स्टेट का कैपिटल कौन सा है, ये सारी चीजें बेसिक जीके, दैट इज स्टैटिक जीके. करंट अफेयर्स मीन जो अभी न्यूज में चल रहा है, राइट. तो ये सारी चीजें जीके.
नेक्स्ट कम्स माय फेवरेट पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग विल हैव वेरी ब्यूटिफुली ड्राफ्टेड क्वेश्चंस. वी विल ऑफ कोर्स प्रैक्टिस ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस. तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग में कोई भी आपको किसी भी चीज के पीछे लॉजिक उस क्वेश्चन को पढ़ के आपको एनालाइज करते हुए उसका आंसर आना चाहिए. दैट इज अगेन लॉजिकल रीजनिंग. वेरी कंफर्टेबल टॉपिक. इफ एट ऑल यू लिसन टू ऑल द लेक्चर्स प्रॉपरली, मार्क माई वर्ड्स, लॉजिकल रीजनिंग आपके सारे आंसर सही होंगे. अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स अच्छे से देखे, जो जो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करने का आपने सारे कर लिए, तो लॉजिकल रीजनिंग का एक भी आंसर गलत नहीं हो पाएगा. इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक और इसको हम बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ेंगे, लॉजिकल रीजनिंग. एंड द लास्ट वन विल बी इंग्लिश. लास्ट वन वुड बी इंग्लिश. इंग्लिश में बहुत सारे तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. एनोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह, ये सारी चीजें इंग्लिश के अंदर, फ्रेजेस वगैरह, ये सारी चीजें इंग्लिश में आ सकते हैं. 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश रहने वाला. उसके बारे में मुझे ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है. इस तरह से 150 मार्क्स का ही पेपर आएगा. फर्स्ट 30 मार्क्स समझ लीजिए लीगल एप्टीट्यूड, नेक्स्ट 40 मार्क्स जनरल नॉलेज, नेक्स्ट 30 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग, एंड लास्टली 50 मार्क्स जनरल नॉलेज, लास्टली 50 मार्क्स इंग्लिश. बिल्कुल सही है यारो, कंफर्टेबल है. ये मैंने बात की फॉर थ्री ईयर कोर्स. फाइव ईयर कोर्स के लिए स्टोरी बिल्कुल सेम रहेगी. आपकी ये चार जो पेपर्स हैं वो तो रहते ही एज इट इज. ये चार पेपर्स आपके लिए एज इट इज हैं. आपके लिए इसके साथ में एक एडिशनल पेपर आ जाएगा, दैट विल बी फॉर मैथ. एक एडिशनल आपका पार्ट आएगा पेपर के अंदर, दैट विल बी अबाउट मैथमेटिक्स. तो बहुत छोटे से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स पे, तो वो भी हम कंफर्टेबली देख लेंगे फॉर फाइव ईयर कोर्सेस. बिल्कुल ठीक है. फॉर थ्री ईयर कोर्स, जो थ्री ईयर के लिए एग्जाम दे रहे हैं, जिनको थ्री ईयर का एलएलबी करना है, उनके लिए तो सिंपल ये चार टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाएंगे. एंड फिक्स है 30-40, 30-50, इसी रेशियो में, इसी इतने ही क्वेश्चंस एग्जाम में आपके क्लियरली आएंगे. बिल्कुल ठीक है. अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबने यहां पे ध्यान देना है. आई होप आपने पेन डाउन कर लिया है. नहीं किया क्या, इसको पेन डाउन कर लीजिए, इसको फटाफट से पेन डाउन कर लीजिए आप अपनी नोटबुक के अंदर. चलिए यार, आई बिलीव हो गया आपका पेन डाउन यहां पे सब लोग. अब मैं एग्जाम के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं. अब सबका फोकस यहां पे चाहिए मुझे. MHCET 2018. कुछ चीजें क्लियर रखिएगा. विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन, विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन, द फॉर्म्स विल बी कमिंग इन द मंथ ऑफ मार्च. लास्ट वीक ऑफ मार्च. तो आप सबने अच्छे से ध्यान रखना है कि मार्च है और मार्च में आपने फॉर्म भर लेना है. बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है इस मामले में. आई रियली हेट इट व्हेन स्टूडेंट्स कम के नहीं आ सर अब तो फॉर्म की लास्ट डेट, अब क्या करें. ऑफ कोर्स यू कैन नॉट, यू वेस्टेड वन प्रीशियस ईयर ऑफ योर लाइफ, सो नेवर डू दैट. ध्यान रखिए कि आपकी मार्च के एंड में ड्यू डेट है, राइट. सेकेंड थिंग, आपका एग्जाम होगा समवेयर अराउंड मे मिड में. दैट्स व्हाट इज द प्लान थिंग. A few people are saying, rumors are there कि probably June में shift हो सकता है. But as far as I feel, mostly May में ही होना चाहिए. इनके June में भी shift हो गया तो कोई problem नहीं है, आपको एक extra month मिल जाएगा preparation के लिए. But I believe ये आपका May mid में ही होगा. तो May mid के अंदर आपका इसका exam होता है, accordingly आपकी preparation होनी चाहिए. Preparation में आपको क्या चाहिए? One, जो मैंने आपको video lectures भेज दिए, इसके साथ में जो मैंने आपको notes भेजे हैं वो, एंड अलॉन्ग साइड द वेरियस रेफरेंस बुक्स इन द मार्केट, वेरियस गुड गुड रेफरेंस बुक्स इन द मार्केट. आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू
or rather I would request all of you to buy one particular book, that is Universal Publication ka book. Likh lijiye isko. Universal Publication ki ek book aayegi, ek proper thick book, itni moti book aayegi Universal Publication ki book, wo aapke paas compulsorily honi chahiye. Main aapko daily homeworks dunga us book se. वो बुक आप दीजिएगा, मत इतनी मोटी बुक, वो हमें पूरी बुक नहीं पढ़नी है. एक्चुअली कैसा यारो, ऑफ कोर्स आप सबको पता होगा, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे क्लैट करके एग्जामिनेशन होता है. बिल्कुल ठीक है, क्लैट करके ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन होता है. वो बुक आइडियली उसे माइंड में रखते हुए बनाई गई है, क्लैट. और कुछ कॉलेजेस का डी यू का अलग कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस का अलग एंट्रेंस एग्जाम भी होता है. तो वो बुक उन सबको माइंड में रखते हुए बनाई गई है. तो हमें उस बुक का पूरा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो जो मैं आपको कहूंगा आपको वो चीजें उस बुक से पढ़नी है, वो चीजें आपको उस बुक से होनी है. बट आप सबने आई बिलीव वो बुक खरीद लेनी चाहिए. आई वुड सजेस्ट, आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू हैव दैट बुक विथ यू. डेली मैं आपको होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चंस उससे दूंगा. सो ट्राई कि वो आज ही वो बुक आप खरीद लें, क्योंकि वो बुक आपके पास होनी ही चाहिए. तो ये बुक बात क्लियर होगी. यूनिवर्सल पब्लिकेशन की जो एक क्लैट के लिए बुक आती है, आई एम टेलिंग यू इतनी थिक सी एक बुक आएगी, वो बुक आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस करने के लिए. आई एम रिकमेंडिंग दैट बुक टू यू. चलिए, दैट इज अबाउट इट. एक और खास चीज, व्हेन यू आर स्टडिंग विथ मी, डू नॉट एवर गेट कंफ्यूज्ड अबाउट एनीथिंग. कंफ्यूजन में कभी नहीं रहना है. कोई भी कभी कभी कोई रूमर्स आते हैं, थ्री ईयर वालों के लिए कभी कभी हमेशा होता है, पढ़ रहे एकदम से, अरे मैथमेटिक्स पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है. मैंने आपको क्लियरली बता दिया क्या थ्री ईयर्स वालों के लिए मैथमेटिक्स एप्लीकेबल है, नहीं है. कोई भी ऐसा कंफ्यूजन होता है ड्यूरिंग आर एंटायर लेक्चर सीरीज, कोई भी ऐसा कंफ्यूजन होता है आपको, यू डू नॉट हैव टू आस्क एनी वन, यू जस्ट नीड टू व्हाट्सएप योर डाउट ऑन 855-488-3071. आपको इस नंबर पर अपने डाउट को व्हाट्सएप कर देना है, मैं उस डाउट को देर आफ्टर एंटरटेन करूंगा. बिल्कुल ठीक है, वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट भी हो सकता है, फिर ऐसी क्वेरी भी हो सकती है कुछ भी कि सर ऐसा है कि नहीं, रूमर्स हमने सुन लिया, ये ऐसा वैसा, नहीं, कोई सुनी सुनाई चीजों पर विश्वास नहीं करना है. जो भी चीजें रहेगी मेरी तरफ से आपको एंड टू एंड चीजें प्रोवाइड की जाएगी. तो आपने बिल्कुल एक्स्ट्रा कुछ भी अपने एंड पे रूमर्स पे विश्वास नहीं करना है. बिल्कुल ठीक है यारो. चलिए, इसी के साथ में एक बार एग्जाम पैटर्न समझ गया, मैं समझ गया हूं यारों. अब हम लोग चलते हैं टू द फर्स्ट टॉपिक. मैं कैसे प्लान करने वाला हूं यारों, अमंग दीज फोर पार्ट्स फॉर थ्री ईयर कोर्सेज एंड देयर बी फाइव पार्ट्स फॉर फाइव ईयर कोर्सेज, मैं सबसे पहले ले रहा हूं लीगल एप्टीट्यूड को. एकदम ध्यान से, पूरा फोकस यहीं पर. We're talking about legal aptitude. ये जो पार्ट है ना यारों आपका, as I've already told you, 30 marks का ये जो पार्ट है आपका, इन 30 marks के अंदर आपसे as I've already discussed, law की knowledge expected नहीं है, सिर्फ एक aptitude होना चाहिए कि हाँ आप इस situation में क्या करते, आप इस situation में होते तो क्या करते. यहां पे वाइल आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस एक गोल्डन रूल है जो आपने ध्यान रखना है. गोल्डन रूल याद रहेगा ना, पक्की बात है. द गोल्डन रूल इज थिंक लाइक अ जज. ये समझिए आप एक जज हैं, आपके सामने वो केस आ गया है, अब आपके और ये आपके सामने लॉ भी है, इस लॉ के बाहर आप जा नहीं सकते, आपने इस लॉ के अंदर ही रहते हुए उस पर अपना जजमेंट देना है. तो यू टू थिंक लाइक अ जज, कि उस लॉ के आप एक भी वर्ड, लॉ का एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. तो उस गिवन लॉ जो आपको एक क्वेश्चन के अंदर लॉ दिया है, उस लॉ के एम्बिट में रहते हुए आप उस जजमेंट का क्या बेस्ट पॉसिबल आंसर दे सकते हैं, क्या बेस्ट पॉसिबल अपना ऑर्डर दे सकते हैं, जजमेंट दे सकते हैं, वो आपको देना है. मार्क माय वर्ड्स, ये गोल्डन रूल अगर आपने माइंड में रख लिया ना, तो आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे. सर
अगर लीगल एप्टीट्यूड के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हमें लॉ भी दिया जाता है, सिचुएशन भी दी जाती है, तो उसकी हमें पढ़ाई करने की जरूरत क्या है? जी नहीं यार, ये 30 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिकॉज यही आपके अमंग ऑल द सब्जेक्ट्स, यही वो सब्जेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं पूरे लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट है, तो आपको इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस रखना ही है अपना। अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वाइल आंसरिंग क्वेश्चन देयर विल बी वेरियस टर्म्स जो आपको पता नहीं है, तो आप उन क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। अगर आपको उन कंसेप्ट के बारे में, उन टर्म्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप उन क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते। तो ड्यूरिंग द लेक्चर सीरीज मैं उन सारे सारे टर्म्स के बारे में एक 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 करके आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसकी मेंसरिया। अब अगर एक क्वेश्चन में मेंसरिया वर्ड यूज कर दिया और आपको मेंसरिया का मतलब ही नहीं पता है, तो कहने का आप क्वेश्चन को टैकल ही नहीं कर पाएंगे ना, राइट? तो हम क्या करेंगे, अभी लीगल एप्टीट्यूड के साथ ही हम स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ते समय हम एक 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 करके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे, एंड फिर हम बहुत सारे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे, राइट? जो मैं सारे क्वेश्चंस, जो भी आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, मोस्टली मैं सारे क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करूंगा। सो कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट लेवल पर आपकी बहुत इनॉर्मस प्रैक्टिस हो जाएगी, सो एग्जाम यू विल कंफर्टेबली सेल थ्रू, यू विल कंफर्टेबली सेल थ्रू, राइट? चलिए यार, लीगल एप्टीट्यूड में आपके जनरली चार लॉज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द फर्स्ट वन इज क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपने तो कुछ लोगों ने पढ़ा होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शायद, जी हां कॉन्ट्रैक्ट लॉ। थर्ड में बात करता हूं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में, लॉ ऑफ टॉर्ट्स शायद आप में ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, इस बारे में बात करते हैं। इट्स अ अनकोडिफाइड लॉ, ये अभी तक कोडिफाइड नहीं है, तो ये बहुत सारे केस लॉज वगैरह के थ्रू रहता है, तो इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। एंड द फोर्थ वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये चार लॉज पे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खैर, इररिस्पेक्टिव, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फर्क नहीं पड़ता हमें, आपका नॉलेज चेक नहीं किया जाएगा यहां पे, आपका एप्टीट्यूड, आपकी स्किल्स इन अप्लाइंग द कंटेंट टू द सिचुएशन चेक करेंगे, यहां पे का मेमोरी जो कहते हैं ना रटना वगैरह, वो सब यहां पे चेक नहीं। इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको रटने की एबिलिटी से सॉल्व हो जाए, जी नहीं, आपकी सारी एप्लीकेशन बेस एबिलिटी होनी चाहिए। इफ यू आर गुड एट अप्लाइंग फैक्ट्स टू द गिवन सिचुएशन, यू विल इजीली सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन, राइट? तो इस तरह के आपकी ये चार पार्ट्स हैं, ये चार एरियाज हैं जहां पे लीगल एप्टीट्यूड के अंदर भी क्वेश्चनिंग होती है। तो वी विल बी स्टार्टिंग विथ क्रिमिनल लॉ, वी विल बी स्टार्टिंग विथ क्रिमिनल लॉ, बिल्कुल सही है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्रिमिनल लॉ पे हैं। आप लोगों को समझ तो रहा है ना हम लोग कहां पर हैं, सब लोग यहां पर रहिए, हम कहां पर हैं। व्हेनेवर आई एम राइटिंग समथिंग, आपने मेरे साथ साथ ये चीजें लिखनी है, मेरे साथ साथ लिखनी है, तो ये नहीं कि मेरी बात को सुन नहीं रहे, लेकिन जैसे ही आप उसको पॉज कर दीजिए और अच्छे से पेन डाउन कर लीजिएगा, ओके? तो आपने कोई भी चीज को मिस नहीं करना है। हम कहां पर है मैं आपको बता रहा हूं, पहले हम कहां हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारे टारगेट के लिए, दैट इज MHCET 2018, बिल्कुल क्लियर है हम लोग। इसके अंदर हमने पढ़ा कि साहब इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं, सी जनरली चार सेक्शंस हैं, उसमें जो लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन है उसमें भी चार लॉज हैं, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिमिनल लॉ, समझ में आ रहा है ना हम लोग कहाँ हैं? तो हम क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे, और इसके साथ में हमारा लीगल एप्टीट्यूड खत्म हो जाएगा, तो फिर हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर है यार? दैट इज आवर, सो वी आर राइट नाउ स्टडिंग क्रिमिनल लॉ। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं क्रिमिनल लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं क्रिमिनल लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। चलिए, एकदम कंफर्टेबल तरीके से यहां पर रहना है आपने, बहुत सिंपल तरीके से, मैं आपसे आज सिर्फ 10 टर्म्स डिस्कस करूंगा, दैट्स इट और कुछ भी नहीं, सिर्फ 10 टर्म्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्रिमिनल लॉ का जो फर्स्ट टर्म मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं आज, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ
मेंस रेया. व्हाट डू यू मीन बाय मेंस रेया? इस वर्ड का मतलब होता है गिल्टी माइंड. मेंस रेया मीन्स गिल्टी माइंड. देयर इज अ फ्रेज, लैटिन फ्रेज, एक्टस नॉन फैसिट रिम निसी मैंस सिट रेया. व्हाट डज दिस से? दिस सेज एन एक्ट इज नॉट अ क्राइम. एन एक्ट इज नॉट अ क्राइम unless it is done with guilty intention. Unless it is done with guilty intentions. समझ गया ना यारों क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी अगर एक्ट मैंने इनोसेंटली कर दी और उसकी वजह से किसी की डेथ हो गई तो वो मर्डर नहीं है. क्या मैं चाहता था क्या उसको मारना? जी नहीं. तो अगर मेंस रेया, मेंस रेया का मतलब क्या है? गिल्टी माइंड. देखिए जो मैंने अगेन ये जो मैंने आपको पढ़ाया ना ये तो एडिशनल चीज है, ये आपको एग्जाम में एनीवे दी जाएगी. मैं तो सिर्फ आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं सिर्फ आपको मतलब बताना चाह रहा था. व्हाट डू मीन बाय मेंस रेया? मेंस रेया मीन्स गिल्टी माइंड. मेंस रेया मीन्स गिल्टी माइंड. कि अगर आप गिल्टी माइंड के हैं, अगर आपका इंटेंशन था किसी को अगर हर्ट करना तो ही आपकी लायबिलिटी आएगी, अदरवाइज आपकी लायबिलिटी नहीं आएगी. बिल्कुल ठीक है. मेंस रेया के अपोजिट देयर इज अनदर कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहता है इवन even when there is no guilty mind, even when there is no guilty mind, the person is liable. अब आप मुझे बोलेंगे नहीं नहीं सर ये तो आप दो अलग अलग चीजें बता रहे हैं, ये तो आप दो कॉन्ट्रडिक्टिंग चीजें बता रहे हैं. सबसे पहले आपने कहा मेंस रेया मींस गिल्टी माइंड, कि कोई भी एक्ट क्राइम तभी बनेगा जब उसके साथ में गिल्टी माइंड है. फिर आपने कहा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कि भले ही गिल्टी माइंड नहीं भी होगा तो भी पर्सन लायबल होगा. यारों कैसा होता है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑफेंस, इट डिपेंड्स ऑन द ऑफेंस. जनरली ऑफेंसेस के ऊपर मेंस रेया एप्लीकेबल होता है, लेकिन कुछ केसेस में कुछ ऑफेंसेस के लिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एप्लीकेबल होता है. कि ये नहीं देखेंगे कि उस पर्सन का इंटेंशन था या नहीं था, उसकी गलती है मतलब ही विल बी पनिश्ड. फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट्स, तो उसके अंदर उसका इंटेंशन थोड़ी था कि किसी को मारना है, लेकिन एक्सीडेंट हो गया, सामने वाले की डेथ हो गई ना, यू विल बी लायबल. तो ऐसे केसेस होते हैं, कुछ केसेस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होता है, कुछ केसेस में मेंस रेया होता है. बट अगेन आई विल टेल यू इट्स नॉट योर ट्रबल टू डिसाइड कि कौन से केस में क्या अप्लाई करना है. आपको एग्जाम में दिया जाएगा, अगर मेंस रेया दिया गया फिर एक सिचुएशन दिए तो आपको वहां पे अप्लाई करना है कि गिल्टी माइंड नहीं है तो वो पर्सन लायबल नहीं होगा. आपको जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझेगा कि किस तरह से अप्लाई करना होता है. बहुत ही इजी, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से. आपको सिर्फ पता होना चाहिए द मीनिंग ऑफ मेंस रेया, गिल्टी माइंड. बिल्कुल ठीक है यारों. चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं. सेकंड पॉइंट इज अनसाउंड माइंड या फिर इनसैनिटी. व्हाट डू मीन बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या फिर अ इनसेन पर्सन? मैं जनरलाइज करके बता रहा हूं थोड़ा सा. अ पर्सन हुज mental state is not stable. एक person जिसकी mental state stable नहीं है, जिसको हम पागल कहते हैं common language में, general word में, उसकी बात हो रही है unsound mind insanity. सर यहां पे क्यों बताया जा रहा है? सभी ध्यान से सुनिए. Unsound mind insanity.
आपने देखा होगा ना कुछ मूवीज के अंदर कि अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कर दिया है तो वो फिर कोर्ट में ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि नहीं साहब मैं तो पागल हूं, ताकि मेरे ऊपर वो चार्जेस ना लग सके. तो अनसाउंड माइंड और इंसैनिटी का मतलब होता है अ पर्सन हुज मेंटल स्टेट इज नॉट फाइन. दैट्स इट. आपको इतना, आपको सिर्फ मैं वर्ड का मतलब बता रहा हूं. लॉ तो आपको एग्जाम में दिया होगा. तो मैं आपको सिर्फ मतलब था, अगर कभी भी अनसाउंड माइंड या इंसैनिटी आता है तो मतलब एक ऐसा पर्सन इसका मेंटल स्टेट सही नहीं है. बिल्कुल ठीक है. चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट इज राइट टू प्राइवेट डिफेंस. एकदम ध्यान से, व्हाट डू मीन बाय राइट टू प्राइवेट डिफेंस? राइट टू प्राइवेट डिफेंस का मतलब होता है कभी भी, मान लीजिए मैं इस रूम में बैठा हूं, इसी समय पे इट्स लेट नाइट, आई एम डूइंग रिकॉर्डिंग फॉर यू पीपल, मैं बैठा हूं रात के 2 बज रहे हैं, तभी यहां से एक चोर आता है और वो चोर देखता है कि मैं यहां पर, वो मुझे मारने की कोशिश करता है. इन माय प्राइवेट डिफेंस, अगर मेरे पास यहां पे एक हॉकी स्टिक है तो मैं लेके उसके पैर पे मार सकता हूं, ताकि मुझे रीजनेबल टाइम मिले कि मैं यहां से भाग के चला जाऊं. समझ रहे हैं आप? राइट टू प्राइवेट डिफेंस का मतलब होता है कि कभी भी अगर आपके ऊपर, कभी भी अगर आपके ऊपर कोई हमला हो रहा है, वेर यू फील कि नहीं आपको अपने डिफेंस में कोई एक्शन लेना होगा, तो आप अपने डिफेंस में सामने वाले को हर्ट कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड राइट टू प्राइवेट डिफेंस. बिल्कुल ठीक है. प्राइवेट डिफेंस सब लोग समझा कि किसी ने अगर मुझ पर हमला किया तो मैं खुद के बचाव में सामने वाले को हर्ट कर सकता हूं. दैट इज माई राइट टू प्राइवेट डिफेंस. यहां पर एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, द राइट टू प्राइवेट डिफेंस has to be very important thing, reasonable. आप समझिए, यहां से चोर अंदर आया, चोर यहां पर आया, मुझे दिख रहा है कि चोर चोरी कर रहा है और मुझे एकदम से लगता है कि चोर जो है ना वो यहां से भाग रहा है, चोर भाग रहा है. मैंने क्या किया, मैंने मेरा ड्रॉअर ओपन किया, उससे एक गन निकाली, पिशके आया हूं और उस चोर को मार दिया. नहीं नहीं साहब, वो चोर चोरी करके जाता, मुझे डर था कि वो वापस इधर से वापस घूम के आके मुझे मारेगा नहीं. क्या वो जस्टिफाइड है क्या? जी नहीं. राइट टू प्राइवेट डिफेंस हैज टू बी रीजनेबल, हैज टू बी वेरी मच रीजनेबल. आप बहुत ज्यादा ही एग्जैजरेटेड एफर्ट एक्ट यहां पे नहीं कर सकते, तो इट हैज टू बी रीजनेबल. ये एक चीज आपने ध्यान रखनी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी आपको समझा होगा. नेक्स्ट इज थेफ्ट. थेफ्ट हम सबको पता है, थेफ्ट मींस चोरी, प्रीटी इजी. नेक्स्ट कंसेप्ट इज एक्सटॉर्शन. एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है? किसी से एक्सटॉर्ट करना पैसा, जबरन वसूली. सॉरी, एक्चुअली इट्स बीन अ वाइल ना, आजकल हम लोगों को हिंदी लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है. आई लव राइटिंग हिंदी वैसे, वसूली, बट ऐसा हो चुका है आजकल हमें हिंदी लिखने की आदत ही नहीं रही है. जनरली हर एक चीज इंग्लिश में चल रही है, बट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए. तो कभी 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 लिखना होता तो इतना ऑड सा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा. और आप सब लोग, कोई भी, मुझे एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं चाहिए, आप में से कोई होगा ना जिसने चोरी को ऐसा लिखा होगा, तो हटा देना. अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी मैं कह रहा हूं, उसको हटा देना, हिंदी में ही लिखना, वरना आप समझिए मैं आपके टीवी के अंदर घुस के आपको मारूंगा. आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना है. देखिए कैसा है, नो मैटर हम कितनी भी एजुकेटेड हो जाएं, हमारा दिमाग हिंदी में ही सोचता है. आज भी जब हम बोलते हैं, इंग्लिश में बात भी करते हैं, तो पहले हम उस चीज को हिंदी में सोचते हैं, फिर हमारा दिमाग उसे प्रोसेस करता है, फिर वो हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट होती है, फिर हम उसे बोलते हैं. तो हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो आज भी हिंदी में, हिंदी की बात करूं, जैसे कि मेरा मदर टंग हिंदी रह गया, मैं राजस्थान से बेसिकली, तो यहाँ पे महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो वहां पे मदर टंग हो सकता है आपका
आप मराठी महाराष्ट्रियन में आप मराठी में बहुत कंफर्टेबल होंगे, तो कहीं ना कहीं आप उस लैंग्वेज में, सो मैं यहाँ पे हिंदी को लेकर चल रहा हूं, तो आपको चोरी को चोरी लिखना है ताकि वो हमेशा ध्यान रखिए, चोरी तो आपको पता है, मैं तो एक्सटॉर्शन जबरन वसूली तो ध्यान रखिए क्या होता है एक्सटॉर्शन, एग्जाम में आ जाएगा कि एक्सटॉर्शन ऐसा ऐसा क्या होता है एक्सटॉर्शन, जी हाँ हमें पता है जबरन वसूली, कि मुझे क्या है मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मुझे फोन आ रहा है, मुझे दाऊद का फोन आया कि 5 करोड़ रुपए दे देना साहब वरना आपको छोड़ेंगे नहीं हम लोग, आपको जहां भी दिखोगे ना रोड क्रॉस कर रहे होगे आपको हम कुछ भी कर देंगे, तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है और हम पैसे दें दैट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन, क्लियर है यार, जबरन वसूली। नेक्स्ट कंसेप्ट इज रॉबरी। रॉबरी हम सबको पता है रॉबरी मींस डकैती, रॉबरी मींस ड के ती डकैती, रॉबरी मींस डकैती। आप सबको बताओगा चोरी डकैती में फर्क होता है, चोरी इज ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, डकैती इज ऑन अ वेरी वेरी लार्ज स्केल, तो उसके पनिशमेंट्स भी अलग अलग हैं। हमें अगेन टेंशन की बात नहीं, हमें तो बस एग्जाम में डकौत ये वाला रॉबरी अगर वर्ड देता है तो हमें पता चल जाना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज चीटिंग, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज चीटिंग। चीटिंग सिंपली मीन्स कि आप कभी कभी फ्रॉड्यूलेंट मीन्स से अगर किसी के पैसे हड़पना चाह रहे हो, आप किसी को चीट करना चाह रहे हो, फ्रॉड करना चाह रहे हो, दैट इज कवर्ड अंडर चीटिंग अंडर क्रिमिनल लॉ। अगेन एग्जाम में लॉ दिया जाएगा बहुत कंफर्टेबली, आपको बस चीटिंग के साथ में रूबरू करवा रहा था। द नेक्स्ट इज मिस्चिफ, एकदम ध्यान से, मिस्चिफ सिंपली मीन्स any act which is resulting into some loss or damage. Mischief simply means any act resulting into mischief means any act resulting into some loss or damage. कोई भी कैसा act जिससे कि आपको कोई loss या damage आ जाए mischief. कि अगर मान लो मैंने क्या किया, मैंने देखा मुझे जो है ना, मुझे मेरे जो पास वाले flat में person रहता है, मेरे जो सामने वाले फ्लैट में पर्सन रहता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मुझे पता था ना वो 2 दिन के लिए घर से बाहर गया हुआ था, तो मैंने क्या किया, मैं घर के बाहर गया, उसके लिए मैंने एक हथौड़ा लिया और उसका जो डोर था ना, उस डोर पे ऐसे मैंने बहुत बार मारा, उसका पूरे डोर को मैंने खराब कर दिया। मैंने क्या किया, आई हैव डन एन एक्ट व्हिच इज रिजल्टेड इनटू सम लॉस और डैमेज, आई हैव कमिटेड मिस्चिफ। तो मिस्चिफ सिंपली मीन्स कोई भी एक्ट जैसे कि सामने वाले को लॉस या कोई डैमेज हो, उसे मिस्चिफ कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। एग्जाम में अगेन आपको लॉ दिया जाएगा, आपको पता होना चाहिए मिस्चिफ क्या होता है। देन नाइन्थ कंसेप्ट यारो, that is the concept of attempt. Attempt क्या होता है, मैं आपको example दूंगा और आपको अच्छे से समझ आएगा। Attempt to murder. Thanks to all of these TV serials, कौन सा था आजकल, सावधान, इंडिया, जागो एंड आई डोंट नो, ऐसे जो सीरियल्स आते हैं उसकी वजह से You are very much familiar with these terms these days. Attempt to murder, क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए एक होता है murder. If I've killed someone, तो मुझ पे charge किया जाएगा murder का। पर मान लो क्या हुआ है, सब लोग ध्यान से gang of वसीपुर में आपने देखा होगा जिस तरह से वहां पे, आपको याद है कि हमारे जो main character थे वो एक छुरा लेके गए थे और एक पहलवान के पेट में उन्होंने ऐसे 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 10-20 टाइम्स कर दिया था। मैं भी उसी तरह से, मैंने उससे इंस्पायर हो गया, मैंने लिया एक छुरा कि मैंने आपको बोला है एक बुक से प्रैक्टिस करो, फिर भी मुझे एक स्टूडेंट मिला भोलू जो है ना, मैं उसको होमवर्क देता था, वो होमवर्क करता ही नहीं था, मुझे पता चला कि भोलू होमवर्क नहीं करता है। मैंने उसी तरह का एक छुरा लिया, मैंने भोलू को बुलाया, भोलू बेटा इधर आओ, भोलू इधर आया, मैंने भोलू के पेट में ऐसे 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 20 टाइम्स कर दिया
20, जो होमवर्क नहीं करेगा मैं हमेशा ऐसा ही करता हूं, तो ध्यान रखना। तो मैंने ऐसे 20 टाइम्स कर दिया। अब जब मैंने 20 टाइम्स कर दिया, उसके बाद में दो लोग आए, भोलू वहीं गिर गया था, दो लोग आए और मुझे तो पुलिस लेके चली गई और भोलू को हॉस्पिटल लेके चले गए। किसी तरह से डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया। यारों, मेरा इंटेंशन तो उसे मारने का था, मर्डर करने का था, बट क्या मर्डर हुआ क्या नहीं, क्या मुझे मर्डर के लिए चार्ज कर सकते क्या? मर्डर तो तब होता ना, पर्सन वुड हैव डाइड, द पर्सन वुड हैव डाइड। इज द पर्सन स्टिल अलाइव, यस और नो? यस। तो मुझ पे मर्डर के लिए चार्ज नहीं हो सकता, मुझ पे होगा किसके लिए चार्ज? अटेम्प्ट टू मर्डर। मुझ पे चार्ज किया जाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, राइट? तो ये एक और केस था जब आपने कोई ऑफेंस किया लेकिन वो आपका इंटेंशन तो था वो ऑफेंस करने के लिए, लेकिन ऑफेंस हुआ नहीं है, तो आपको अटेम्प्ट के लिए भी चार्ज किया जा सकता है, राइट? एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे विल बी सेडिशन। सेडिशन क्या होता है यारों? सेडिशन सिंपली मींस आप कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो कि आपकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, सरकार के खिलाफ कोई भी चीज करना, भड़काना लोगों को या सरकार के खिलाफ कोई भी चीज करना, दैट इज कॉल्ड सेडिशन। लेकिन सेडिशन का मतलब ये मत समझिएगा कि बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस उनके कोई छोटे मोटे लूपहोल्स बता रही है, नहीं नहीं नहीं, तो उनके मिस्टेक्स बता रही है, नहीं नहीं। सेडिशन मींस कोई बड़े लेवल आप भड़का रहे हैं, आप अपनी मास को उस कंट्री के सरकार के अगेंस्ट भड़का रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेडिशन। सेडिशन रिफर्स टू एन एक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इटसेल्फ। अगेंस्ट द गवर्नमेंट इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड सेडिशन। तो कभी भी एग्जाम में सेडिशन वर्ड यूज तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मतलब इसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही कुछ किया, दैट इज कॉल्ड सेडिशन। एकदम ध्यान से, एज आई प्रॉमिस्ड, आज से मैं आपको 10 टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आई एम नॉट वन ऑफ दोस काइंड ऑफ टीचर्स जो कि मैं आपको कह दूंगा कि नहीं बस क्लास अटेंड कर लो और बस सब कुछ हो जाएगा और कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, नहीं नहीं नहीं। देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर एफर्ट्स विच इज गोइंग टू काउंट। मैं सिर्फ मेरे एंड पे जो जो मुझे पॉसिबल आपके लिए टेक्निक स्ट्रैटेजीज वगैरह होगी जो पढ़ा सकता हूं मैं सब पढ़ा दूंगा। एट द एंड इट इज ऑल योर एफर्ट्स विच इज गोइंग टू काउंट। आपने क्या करना है यारों, इट्स अ लीगल एप्टीट्यूड का एग्जामिनेशन। तो अगर मैं क्लास में आपके साथ में एमसीक्यू, मैं यहाँ पे कोई भी एमसीक्यू एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न है, कोई भी एमसीक्यू लूंगा और मैं आपके साथ में सॉल्व करूंगा तो आपसे हो ही जाएगा ना, तो आपसे हो ही जाएगा। बट क्या मैं आपके साथ एग्जाम हॉल में रहने वाला हूं क्या? नहीं ना। वहां पे आपको अकेले क्वेश्चन को पढ़ना, उसे समझना और उसके आंसर तक पहुंचना है, सही या गलत? सही बात है ना। तो आपने उसी चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो कोई भी एमसीक्यू मैं आपको नहीं करवाऊंगा, वो एमसीक्यू पहले आप ट्राई करेंगे, आप अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से उसको सॉल्व करके एक सही आंसर पे जाने की कोशिश करेंगे, एंड देयर आफ्टर मैं उसे सॉल्व करूंगा, सो दैट यू विल रियलाइज कि आपका, अगर आपका आंसर सही हुआ है, मतलब आपका एप्टीट्यूड सही लाइन पे चल रहा है, सही लाइन पे चल रहा है, उसको सिर्फ और शार्पन करने की जरूरत, ताकि एक भी आंसर गलत ना हो। और अगर गलत लाइन पे चल रहा है तो यू हैव टू फिगर आउट कि आखिर आप गलती कहां करते थे, सो दैट व्हाइल सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन द नेक्स्ट जो होमवर्क, तो वहां पे आपने ध्यान रखना होगा। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मार्क माई वर्ड्स, थोड़ी सी यारो मेहनत कर लो, यू गेट वन गुड कॉलेज एंड आपका लाइफ लॉन्ग दैट डिग्री, दैट कॉलेज नेम विल बी देयर विथ यू। टुडे ऑल्सो आईएलएस से मैंने लॉ किया, आईएलएस का नाम आज भी मेरे साथ है, कहीं भी जानते हैं तो कॉलेज को लोग पहचानते हैं, ऑफकोर्स यारो, सो दैट बेनिफिट विल ऑलवेज बी देयर विथ यू। तो थोड़ी सी मेहनत करिएगा यारों, इट विल बी ग्रेट। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अभी मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं यारों। एक तो डरना नहीं है, मैं जितना बोलूंगा सारे क्वेश्चन करके आने। नेक्स्ट लेक्चर दो दिन बाद देखोगे चलेगा, दो दिन बाद देखना, बट ये सारे क्वेश्चन जब तक खुद से ना कर लो, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आना नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में तभी आपने प्ले करना है नेक्स्ट लेक्चर को, जब आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। देखिए, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए। ये आपको कहाँ से करना है, जैसे कि आपको बताया, आपको एक बुक परचेज करनी है यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, उसमें मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा। आई टेल यू वो कैसे दिखेगी आपको, इस तरीके आपको बुक दिखेगी। तो ये बुक आपने परचेज कर लेनी है, एंड इससे फिर हम बहुत सारे, डरना नहीं है बुक की साइज को देखिए, बहुत कम, मैं आपको कह रहा हूँ बहुत आराम से हो जाएगा, और एग्जाम जो आपको इतना मजा आएगा ना कि सारे क्वेश्चंस, अरे हाँ आता है। आई टेल यू हाउ टू स्टडी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट
फॉलो वॉट एवर आई एम सेइंग, गिव योर 100% एफर्ट्स, गिव योर 100% एफर्ट्स. इस बुक के अंदर आपने, आई टेल यू द एग्जैक्ट पेज नंबर, पेज नंबर 123. This is 27th edition of the book. This is the 27th edition. Second hand book नहीं लेनी है हमको, नई book लेनी जो 2017-18 वाली book होगी. 17-18 वाली book आपने लेकर आनी है, बिल्कुल ठीक है. पेज नंबर 123 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, एक क्वेश्चन सीरीज है पूरी, उसमें मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं. क्वेश्चन 123 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, आपने कौन कौन से क्वेश्चन नंबर करके आने हैं. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर हाँ हाँ पेज भी खत्म होने वाला है मुझे पता है. 107, 108, 117, 118, 119. ये सारे क्वेश्चंस आपने कंपल्सरीली खुद से ट्राई करने हैं एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है. इसके बाद आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, एकदम ध्यान से, इफ यू वांट टू सेव योर टाइम, कि इनमें से मान लीजिए आपने सारे क्वेश्चंस देखे, यू फील लाइक कि नहीं इनमें से आपको सारे क्वेश्चंस कंफर्टेबली आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस फिर चाहें तो आप लेक्चर में स्किप कर सकते हैं. आप समझ रहे हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर जब भी लूंगा उसमें मैं सारे क्वेश्चंस एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो फिर यू फील लाइक कि नहीं 6, 16, 18, 20 ये सब तो मुझे अच्छे से आ रहे हैं, मुझे सिर्फ 19 देखना है. तो आप क्या कर सकते हैं, मैं इसी सीक्वेंस में लूंगा, पहले 6 फिर 16 फिर 18 19, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हैं. 6 आता है तो 6 के 2 मिनट आगे कर दिया, तो मैं हमेशा जो भी क्वेश्चन डिस्कस करूँ उसके टॉप पे क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, तो उससे आप आगे आगे करते हुए 18 पे आ सकते हैं. फिर आपने कहा कि 18-19 पे आपको देखना है, फिर आप मान लीजिए आपको ये सब तो एकदम कंफर्टेबल आ गया, 43 पे आना है कि 43 देखना है मुझे, शायद आपका गलत हो गया होगा आंसर, बुक में आपको क्वेश्चन का आंसर भी होगा, तो पहले आपको खुद से देखना है, फिर आपको आंसर पे चेक करना है वहीं पे सही हो रहा है गलत हो रहा है. जो जो आप फिर आंसर चाहें वो आप नेक्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं. इन एनी केस इफ इट ऑल आपको लगता है कि नहीं सर नहीं जम रहा है, तो आप सारे आंसर्स भी देख सकते हैं. मैं सारे आंसर के सोल्यूशन आपको दूंगा, मैं आपको सारे आंसर के सोल्यूशन दूंगा किस तरह से उन आंसर तक मैं पहुंचाऊं. बिल्कुल ठीक है. It's a aptitude examination. Classes will help you only 5-10%. Message करूँगा पूरा. At the end, it is all about your aptitude. दिमाग उस question को देख के चलता है नहीं चलता. And hence, खूब सारा homework होने वाला है. But mark my words, अगर ये कर लिया ना, तो truly you'll get the top college. तो do your homework well. जो भी आपको नहीं समझा तो उसको mark करके रखिए. हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एंड 10 के बाद में हम नेक्स्ट फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे क्रिमिनल लॉ के. ओके पीपल, ऑल द वेरी बेस्ट. यू हैव गॉट एनी डाउट व्हाट्सएप मी ऑन द गिवन नंबर. ओके, डू वेल एंड बाय द बुक रिकमेंडेड बाय मी, दैट विल बी रियली फ्रूटफुल फॉर योर स्टडीज. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट. आई विल सी यू पीपल इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.